Stay, I am coming. Hi. Excuse me, madam. क्या? कौन है तू? मैं दुल्हा हूँ. कुछ तो suggest कीजिए. हाँ, क्यों नहीं? Suggest करता हूँ ना. तुम एक काम करो, यहाँ से बाहर निकलो और सीधा जाके पहले राइट टर्न ले लो. वहां पर ना एक शुभ विवाह मैरिज हॉल है, वहां जाओ और शादी करो और अपनी इस बारात को भी साथ में लेकर जाओ. ओके? अरे बारात तो एक हफ्ते पहले आ गई है, कुछ तो सजेस्ट कीजिए. लेकिन क्या हुआ यार, तुम्हारी दुल्हन किसी और के साथ भाग गई क्या? अब क्यों है इतना एक्साइटमेंट है? जब एक हफ्ता पहले शादी हो गई तो काहे को शेरबानी और सहरा और अंटर पंटर दोस्तों ने लिए जो है नाश्ता व डोल रहा है. बापू, शादी का हैंडओवर है जी. क्या? हैंडओवर. हैंगओवर. या दिस वन. देखिए इनकी कंडीशन हो रही है मुझे इरिटेशन. ओके बाय. हाँ यार देखो, तुमको जो कुछ भी कहना है ना, जरा खुल के जरा बेशरम हो के भक से मैडम के सामने बोल दो. वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग की अदरक कूट गई और उबलती चाय के साथ मिल गई तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना. मेरा मतलब है पीटू प्रियंका. मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ मैडम, मेरा नाम है कमलेश. कमलेश कुवारा. अरे कुछ तो सजेस्ट कीजिए. एक हफ्ता पहले मेरी शादी हुई है. बंद करो ये नाच गाना. मेरे दोस्त है ना मैडम, इसलिए. मैडम हुआ ये मैडम कि एक हफ्ता पहले मेरी शादी हुई है लेकिन अब तक दुल्हन की विदाई नहीं हुई है. अरे कुछ तो सजेस्ट कीजिए. मैडम हुआ ये है मैडम कि दुल्हन की बुआ और फूफा है जिन्होंने दुल्हन को बचपन से पाला हुआ है तो वो रोज दुल्हन को लेके बस अड्डे पे आते हैं और वहां पे हंसी खुशी का माहौल होता है. सब लोग हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं. लेकिन जब रोडवेज की बस आती है दुल्हन की बुआ गला फाड़ रुमाल झाड़ रोना शुरू कर देती है और उसको रोते हुए देखकर मेरी बीवी यानी कि दुल्हन भी रोना शुरू कर देती है. उसे देखकर मुझे रोना आता है, इनको रोना आता है और ये सब देखकर वो बस का कंडक्टर है बस लेके चला जाता है. पिछले एक हफ्ते से ये हो रहा है मैडम, कुछ तो सजेस्ट कीजिए. अबे तो किसी और बस में बैठाओ. गुड सजेशन मैडम, लेकिन बात ये है कि वहां पे दिन में एक ही बस आती है और पिछले 7 दिनों से लगातार ये बस छूटी जा रही है. कुछ तो सजेस्ट कीजिए और वो भी दुल्हन की बुआ के रोने की वजह से. अरे यार देखो, लेकिन लड़की की बुआ रो रही है और रोती जा रही है, ये कोई गुनाह थोड़ी ना है. मतलब हम इसकी FIR थोड़ी लिख सकते हैं. ये पुलिस केस नहीं है भाई, सॉरी यार, तुम जाओ. आई नो जेंटलमैन कि ये पुलिस केस नहीं है लेकिन प्लीज कुछ तो सजेस्ट कीजिए. और मैंने सुना हुआ है कि मैडम ऑन ह्यूमन ग्राउंड ऐसी मदद करती है तो प्लीज मैडम, आप समझिए कि मैं आपका छोटा भाई हूँ. See my eyes with tears. Please, madam. भाई ऐसा है, दुनिया के तमाम जितने बुड्ढे हैं उनकी या तो मैं मम्मी जी हो रही हूँ या तो मैं जो है एल्डर सिस्टर हो रही हूँ. मतलब मैं, अबे यार बुलवाओ, बुआ ने बुलवाओ और फूफा ने बुलवाओ. ये नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा यार टाइम पास हो रहा है, होने दो. आइए आइए. पाए लागू आशीर्वाद. दीदी ये है फूफा जी और ये है बुआ जी. कुछ तो सजेस्ट कीजिए. ओहो, तो यो लड़की की बुआ से ऊपर वाले की दुआ से. अबे ऊपर वाले की तो सही है पर नीचे वालों की बद्दुआ का के? ये एक हफ्ते से वैवाहित होने के बावजूद अपनी बीवी को अपने घर ले जाना पा रहा है, के मचा रखा है तुम लोगों ने? पापी जी, अगर कुड़ी को विदाई नहीं करना था तो उसकी शादी क्यों की? अरे आदत है, पुरानी आदत है.
बहुत पुरानी आदत है, इतिहास गवाह है। बेटा इतिहास गवाह है या खुदा गवाह है ये बाद में बता लियो, पहले अपना नाम बता ले। लड़की के फूफा हैं हम, इतिहास गवाह है। कोई नाम है या हम रख दें? मैडम हम हैं इतिहास के प्रोफेसर और नाम है हमारा एसी डूबे। एसी कौन सा वाला यार, 2 टन का, 1 टन का या आधे टन का? देखिए मैडम इनके खानदान की आदत है ये, शादी तो कर देंगे धूमधाम से लेकिन जब विदाई का वक्त आता है तो इनके अरमान फूट फूट के फड़फड़ा उठते हैं। इतिहास गवाह है। जी तुम तो चुप ही रहो ऊपर वाले की दुआ से। अरे क्यों रहेंगे चुप, हम तो बताएंगे। मैडम जब हमारी शादी हुई थी ना तो इनकी विदाई 6 महीने बाद हुई थी, इतिहास गवाह है। ओहो आहा भाई खानदानी है ये प्रॉब्लम बीमारी तुम्हारी है। कि भाई एक बार लड़की जो है रेडी हो गई विदा होने को तो भाई माँ बाप बुआ इनके इमोशन में खटाक से प्रमोशन हो जावे। क्यों बुआ जी? एक तरह से मैडम ये ठीक ही कह रहे हैं। वो क्या है ना, ऊपर वाले की दुआ से बड़ी नाजों से पाला है हमने अपनी बॉडम को। Well, who is the bottom is the? अरे बॉडम हमारी भतीजी, इसकी बीवी का नाम है बॉडम, ऊपर वाले की दुआ से, जो बहुत प्यार करती है हमसे यानी कि अपनी बुआ से। और इसकी जमाई राजा की जो छिटक छिटक के जान निकल रही है उसका के? अरे भैया मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें है? ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के अपनी भतीजी की विदाई में देर कर रही हैं। अरे हम तो खुद रोज तैयार होके खुशी खुशी पहुंच जाती हैं बांदा बस अड्डे पे हाँ विदाई करने को, लेकिन क्या करें जैसे ही बस आती हुई दिखती है ना वैसे ही हम बेबस हो जाती हैं और पबक पबक के रोने लगती हैं। बस 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 आंटी क्या कर रही हैं आप, जरा संभाल लिया अपने आप को। अरे कब तक संभाले हम अपने आप को बेटा, हाँ ऊपर वाले की दुआ से। कसूर हमारा नहीं है, कसूर है रोडवेज के उस बस कंडक्टर का जिसकी वजह से विदाई ना हो पा रही। हाँ वो कंडक्टर रुला रहा है तेने। अगर मैडम वो किसी दिन 1 मिनट से ज्यादा बस रोकता ना बस स्टॉप पे तो उसी दिन हमारी बॉडम की विदाई हो गई होती ऊपर वाले की दुआ से। बुआ जी ने जो बातें कही लगता है बिल्कुल सही। ओके बाय। बुलवाओ कंडक्टर ने भी बुलवाओ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ मैडम जी, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया क्या? टेम नहीं है। अच्छा तू है वो बस कंडक्टर, नाम क्या था रा? काम दियो। काम तो है ना यार तुम्हारे पास, फिर काम क्यों मांग रहे हो? मैं कहाँ काम मांग रही हूँ, टेम नहीं है। अभी तो तुमने कहा काम दियो। अरे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, जैसे कपिल देव ऐसे काम दियो, काम दियो, टेम नहीं है। क्यों रांझिया, कुड़ी से मिलने जाना है जो तेरे पास टाइम नहीं है? अरे दादाजी टेम नहीं है कुड़ी उड़ी से मिलने का, मैं कूड़ा हुआ हूँ, मेरी बस बाहर खड़ी हुई है, टेम नहीं है। अरे सांसें चल रही हैं खींच खींच के, अरे जल्दी चलो खींच खींच के, जल्दी चलो खींच खींच के। ओ हो अंकल, अबे यो कौन है अंकल? मैं अवस्थी हूँ और मेरी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है यहाँ खड़े होने की। सांसें ले रहा हूँ खींच खींच के। यार एक मिनट, अरे कंडक्टर यार जब तू देख रहा है कि एक की विदाई चल रही है, लोग रो रहे हैं, एक बड़ा जो है सेंटिमेंटल सा माहौल हो रहा है, लेडीज जो है बहुत पपल रही हैं, तो किस लिए तू बैठ ना करता है, एकदम भगाए लेता है अपनी गाड़ी? अरे वेट कर ले जब तक वो लोग चढ़ जाए फिर चला अपनी बस। अरे कहाँ से वेट कर लूँ मैडम, टेम नहीं है। ये अवस्थी जी रोज हमारी बस में बैठ के इंजेक्शन लगाने के लिए शहर जाते हैं,
अब अगर मैंने बस कहीं पे ठहरा दी ना तो इनकी जिंदगी उधर ही ठहर जाएगी। टेम नहीं है। अरे जल्दी चलो, खींच खींच के जल्दी चलो। अरे वो, अरे रुको यार तुम, अवस्थी चुप शांत। अरे मैडम, मैं टेम का बहुत पक्का आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं अपनी बस लेके निकला था, मैंने टेम देखा 15 मिनट लेट। मैंने वहीं से शॉर्टकट मारा, बस सीधा खाई में डाल दी। सारे यात्री चीख उठा, ओ पागल हो गया क्या, क्या कर रही है, मरवाएगा क्या? मैंने कहा टेम नहीं है। बस टेम पे पहुंची, अब 50 यात्री घायल हो गए थे, पर ठीक है टेम नहीं है। तो यानी कि तू 1 मिनट से ज्यादा अपनी बस नहीं रोकेगा, तू रोक ना सके बेसिकली। मैडम सवाल ही नहीं हो रहा है ना बस रोकने का। तो मैं ऐसा कह रही हूँ, ये जो आदमी है अवस्थी, ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन पे चल रहा है। अब अगर मेरी को देर हो गई बस में तो इसको तो फिर देर हो जाएगी ना, टाइम नहीं है। अरे भैया अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ खींच खींच के। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जाओ जाओ, निकलो निकलो। चल तुम उतरे क्यों बस से, चलो आओ। अरे वो डालो अपना। भैया ऐसा है, 3 बातें। एक तो यो कि छोरी की बुआ छोरी से अपनी बेटी से भी ज्यादा प्रेम करे। दूसरी बात, पूरी फैमिली घनी इमोशनल सेंटिमेंटल अटैच टू इच अदर टाइप, सूरज बढ़ जाती है, फील वाली फैमिली हो रही है। और तीसरी बात यो है कि बस को आता देख के ही फैमिली पपल जावे, बिल्कुल बौखला जावे और रो देवे। यस मम्मी जी, व्हाट द डिड द अस द डू द। ऐसा भाई, छोरी की विदाई तो करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर दूल्हा बिदक गया, इरिटेट हो गया और उसने सोच लिया कि भैया छोड़ो, तो छोरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बात तो ठीक है मैडम, लेकिन वो बुआ तो रो रो के सत्तू घोले दे रही है, उसका क्या? भाई ऐसा है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी जो है मर जाए, लाठी भी ना टूटे, यानी कि छोरी की विदाई भी हो जाए और कोई कांड भी ना हो, यानी कि कोई बिघ्न ना पड़े, रुकावट ना आए। लेकिन ये बता कि थारे पास थारी कोई अपनी अच्छी सी फोटोस है? अरे हाँ है ना मैडम फोटो। अरे मैडम मुझे फोटो खिंचाने का तो बहुत शौक है, क्योंकि क्या है मेरी फोटो जो आती है ना, फोटो में बहुत हैंडसम दिखता हूँ मैं। तो भाई अपनी चॉइस की कोई बढ़िया सी जिसमें तू हैंडसम सा लग रहा हो वैसी एक फोटो मन्ने दे दे, मैं उसे फ्रेम करा के दीवार पे लगाऊंगी अपनी कुर्सी के पीछे एकदम। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन आइडिया आ रहा है। तो मिर्चा नाक में ठूस दूंगी फिर देगा आइडिया। अब जरा कोने में तो आइए, सुनिए। दूल्हे को प्लानिंग समझाओ। अंकल एक बात बताओ, आप खाना खा रहे हो, आपके पास 2 रोटियां है, आपने दोनों खा ली, क्या बचा? बेटे इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं ही मिलता हूँ ऐसे सवाल पूछने के लिए। 2 रोटी थी, दोनों मैंने खा ली, कुछ नहीं बचा पीछे। रोटी क्या हवा के साथ खाते हैं, सब्जी तो बची ना। धंधे हो गया मैं, आपके चरण कहाँ हैं? इधर है, आशीर्वाद आशीर्वाद। चल हट। आज विदाई होने देना। इस बार तो विदाई हो ही जाएगी। हाँ देखते हैं। रोना मत बस तुम, आज मत ख्याल रखना बुआ का। अरे वो देखो, लगता है उनकी बेटी की भी विदाई हो रही है, इतिहास गवाह है। देख रही हो है? कितनी खुशी खुशी शांति से विदा कर रहे हैं वो लोग, और एक तुम हो कि रो रो के मगध का युद्ध छेड़ देती हो, इतिहास गवाह। ए जी बस तुम चुप ही रहो, एक बार बस आने दो। अरे विदाई के वक्त इनकी भी रुलाई छूट ही जाएगी ऊपर वाले की दुआ से। अरे
नमस्ते। इतिहास गवाह है, विदाई है। जी हाँ, आपकी भी? हमारी भी। इतिहास गवाह है। अरे ये देखो दूर से बस आ रही है, कुछ तो सजेस्ट कीजिए ना। चलो बस, सिर्फ एक मिनट रुकेगी, टाइम नहीं है। अरे जल्दी चलो भैया, सांसें ले रहा हूँ खींच के। जल्दी चलो, चल रहे हैं अवस्थी, पता है टाइम नहीं है, चलो। इतिहास गवाह है, अब बोर्डम की विदाई हो गई। अरे चुप रहो, कहाँ हुई बोर्डम की विदाई, बोर्डम तो ये रही। मैडम आप? भैया तुम्हारी बोर्डम की विदाई करने के लिए देख लो क्या क्या रूप धरना पड़ गया है हमें पुलिस वालों को, इन्हें देखो। देखिए ये सब हमने किया ताकि वो कमलेश अपनी बीवी को लेकर यहाँ से विदा हो सके, और ऐसा ही हुआ। आर यू हैप्पी थी लड़की थी बुआ? हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। इतिहास गवाह है। बहुत अच्छा हुआ मैडम जो आपने ये सब करके मेरी बॉडम की विदाई करवा दी, वरना मैं तो कभी बॉडम की विदाई कर ही ना पाती। वो क्या है, मैं बहुत प्यार करती हूँ ना अपने दिल की टुकड़ी बॉडम से, ऊपर वाले की दुआ से। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इतिहास गवाह है, पिछले 100 सालों में इनके घर से पहली बार इतनी जल्दी विदाई हुई है। 100 सालों से? अरे 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 मैडम, ये बस वापस क्यों आ रही है? वो बस वापस? इतिहास गवाह है। अरे अरे अबे चलो जल्दी उतर, टाइम नहीं है। अरे ये कहां से आ गई? चलो जल्दी, टाइम नहीं है। अबे बस वापस क्यों ले आए हो? आगे पुल टूट गया, पिछली बार टूटा था तो 2 साल लग गए थे बनने में, अब तो टाइम नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब इसकी विदाई 2 साल तक नहीं होगी? मैडम For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.